नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। SBI ने चुनाव आयोग को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी, सभी विवरण सीरियल नंबर के साथ जारी नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार। उधमपुर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में भरा नामांकन। उधमपुर सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता इंजीनियर रशीद बारामूला सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने किया नामित। UAPA के तहत तिहाड़ में बंद हैं इंजीनियर रशीद। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जम्मू पहुंचे चौधरी लाल सिंह, जम्मू हवाई अड्डे के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। उधमपुर सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज यानी 21 मार्च को चुनाव आयोग में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई के दौरान बैंक को हर बॉन्ड का सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया था, जिसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ने आज चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण सीरियल नंबर के साथ चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर सीट के लिए अपना नामांकन भरा। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर लोकसभा सीट के लिए कठुआ में भरा नामांकन। उधमपुर सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इससे पहले 2014 और 2019 में भी इसी लोकसभा सीट से हुए हैं विजयी। पहले चरण में होगा उधमपुर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान। तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता इंजीनियर रशीद बारामूला सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अवाम इत्तेहाद पार्टी ने उत्तरी कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में किया नामांकित। पार्टी प्रवक्ता फिरदौस बाबा ने कहा चुनाव से पहले उन्हें रिहा होने की उम्मीद, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह तिहाड़ जेल से ही लड़ेंगे बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव। UAPA की कई धाराओं के तहत तिहाड़ जेल में बंद है कश्मीरी नेता इंजीनियर रशीद। कांग्रेस में शामिल होने के बाद आज चौधरी लाल सिंह जम्मू पहुंचे, जम्मू हवाई अड्डे के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने चौधरी लाल सिंह का किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि कांग्रेस से दो बार सांसद रह चुके चौधरी लाल सिंह ने कल दिल्ली में लगभग 10 साल के बाद फिर कांग्रेस में वापसी की है। उधमपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। 2004 और 2009 में भी इसी सीट से जीत हासिल कर चुके हैं चौधरी लाल सिंह। उत्साह नहीं तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली हो गई है। कांग्रेस के जितने भी काउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये मुझे उस काउंट से कोई लेना देना नहीं, आई डोंट वांट टू एनी क्वेश्चन ऑफ दैट। हमें स्वार है कि ये दोनों सीट जीतने का। निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को विकसित भारत संपर्क के तहत भेजे जा रहे व्हाट्सएप संदेश तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मकसद सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचने के लिए बीते दिन लोगों को विकसित भारत संपर्क के तहत व्हाट्सएप संदेश भेजे गए थे। मामले की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने मंत्रालय को जारी किया निर्देश। भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवारवादी पार्टियों पर किए जा रहे निशाने पर उमर अब्दुल्ला ने जवाबी हमला किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को परिवारवादी पार्टियों से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत उन्हीं से है जो उनका विरोध करते हैं। उमर ने कहा एक तरफ बिहार में भाजपा चिराग पासवान को टिकट देकर पासवान राजवंशों के साथ गठबंधन में आए हैं, तो क्या ये परिवारवादी नहीं है? कांग्रेस ये परिवारवादी पार्टी है, इन पर ये बात मैंने ये पहले भी कहा हुआ है। बीजेपी को परिवारवाद पार्टियों से कोई मतलब आपत्ति नहीं है, उनको आपत्ति उन पार्टियों से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो परिवारवाद पार्टी क्या जो बिहार में अभी उन्होंने चिराग पासवान के साथ दोबारा अलायंस किया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो पिछले दिनों अमित शाह साहब राज ठाकरे से मिले, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो ग्वालियर गुना से उनके अब मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है।
और मैं फखर से कहता हूँ कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूँ, मुझे कोई मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं है कहने में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उन 3 सीटों पर तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में मतदान होगा, इसलिए पहले हम ईद मना लेते हैं और समय आने पर अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर देंगे। बाकी से पूछे वो क्या कर रहे हैं, जब सही मौका होगा हम अपने सीटों का ऐलान कर लेंगे। हमारी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ अभी, तो पहले फेज का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हमारी 3 सीटें जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फेज में है, अभी बहुत वक्त है ना, आप इंतजार करिए, अभी तो हमें ईद मनाने दीजिए, ईद के बाद बात करेंगे। नया अलायंस बन रहा है उस पर क्या कहेंगे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अदालत ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से कर दिया था इनकार। ईडी के बार बार समन भेजे जाने को केजरीवाल ने बताया था गैर कानूनी, लगातार समन के बावजूद ईडी कोर्ट में हाजिर ना होने के बाद ईडी ने किया था कोर्ट का रुख। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में की थी याचिका दायर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हनुमान चालीसा और अजान विवाद में एक दुकानदार की पिटाई के बाद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर बेंगलुरु से बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज हुई FIR। प्रदर्शन में शामिल होने पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को भी कर्नाटक पुलिस ने लिया था हिरासत में। प्रशासन ने हंदवाड़ा बाजार में आज खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। तहसीलदार हंदवाड़ा के नेतृत्व में चलाए गए इस जांच अभियान में नगरपालिका समिति हंदवाड़ा के अधिकारियों ने दुकानों पर बिकने वाले सामान की जांच की और रेट लिस्ट की भी जांच की। इस अवसर पर तहसीलदार हंदवाड़ा ने दुकानदारों से निर्धारित दरों पर सामान बेचने की चेतावनी दी और नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूल किया। तहसीलदार हंदवाड़ा ने दुकानदारों को आम जनता के चलने में आसानी के लिए फुटपाथ खाली करने की भी सलाह दी। जो सामान्य मार्केट चक्कर में आते हैं, जो कमाए जितना कमा सकते हैं कमाए, मगर उसको ईमानदारी से और आवाम की खिदमत करके कमाए, किसी को कम करके, किसी को परेशान करके, कोई गलत चीज बेच के, कोई नकली चीज बेच के ना कमाए। हर चीज जो आपकी जिस आवाम को बेचे, ये आवाम भी आपके हंदवाड़ा का कोई बाहर से नहीं आया। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां के सेडो क्षेत्र के लोगों ने इलाके में पानी की किल्लत के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सेडो क्षेत्र के लोगों ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों पर उनके इलाके में पर्याप्त जल आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि उन्हें पीने का पानी लेने के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, पर जल शक्ति विभाग उनकी समस्या का समाधान करने में पूरी तरह से विफल रहा है। नजर है ग्राउंड जीरो पर, लेकिन कस सहूलियत मयसर बिल्कुल, खास कर आब सी जिंदगी ये आब इस काम खत्म करो पचुन जमीन रोजन का हक ये आब प्राब्लम मज कर अगर तुंदिस हुकाम तम वाते सो गई तुम मेहरबानी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने शोपियां जिले के रेशीपोरा जैनापोरा का किया दौरा। रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के मालिकों से की मुलाकात। लोगों से कहा प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बिना रेलवे लाइन में बदलाव असंभव, किसानों की कृषि और बागवानी भूमि का इस्तेमाल रेलवे परियोजना के लिए करने का लगाया आरोप। लोगों को सरकार से उचित मुआवजा दिलवाने का प्रयास करने का दिया आश्वासन। प्रोजेक्ट गवर्नमेंटन तुम 5 प्रोजेक्ट तक मैं प्रोजेक्ट यप कुलगाम पे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही, इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th One इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।